हेलो गाइस, फिर से स्वागत है हमारा चैनल ORP ब्लॉग में। आज हम लोग जाने वाले हैं मीरगंज पंडाल देखने के लिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे छोटा ही सही लेकिन बहुत ही अच्छा पंडाल बनाया गया है, लेकिन अभी इसका उद्घाटन नहीं किया गया। चलिए आप लोग हम आगे लेके चलते हैं दूसरे पंडाल की तरफ। लेकिन डेकोरेशन बहुत ही अच्छा तरीके से किया गया है गेट को। चलिए आप लोग अंदर लेके चलते हैं दूसरे पंडाल की तरफ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी थोड़ा बहुत भीड़ है, सुबह का टाइम है इसीलिए, लेकिन शाम को यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगा। चलिए आप लोग को दिखाते हैं और पंडाल। जैसे कि गाइस देख सकते हैं यहाँ पे भी छोटा मोटा पंडाल बनाया गया है। जैसे कि गाइस देख सकते हैं यहाँ पे केदारनाथ पंडाल है। चलिए आप लोग को इसको भी दिखाते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका से इसको भी डेकोरेशन किया गया है इस पंडाल को, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा बहुत इसमें काम है जो चल रहा है। चलिए आप लोग को अंदर लेके चलते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अभी बहुत ही कम भीड़ है, लेकिन बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया गया है इस पंडाल को। दुर्गा माता को भी बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है। आप लोगों को पूरा पंडाल के चारों तरफ दिखा रहे हैं, बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग यहाँ पे भी आ सकते हैं मीरगंज में केदारनाथ पंडाल देखने के लिए, जो बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है पंडाल को। चलिए आप लोगों को फिर से रिपीट दिखाते हैं पंडाल की, बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है। आप लोग देख सकते हैं बाहर से भी बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहा है इस पंडाल का लुक। आप लोग गाइस देख सकते हैं थोड़ा हम लोग दूरी पे आकर इस पंडाल को दिखा रहे हैं आप लोग को। बहुत ही अच्छा तरीका से इसको डेकोरेशन किया गया है। इस पंडाल में बहुत कारीगरी काम कर रहे थे और बहुत ही अच्छे तरीके से पंडाल बनाया गया है। आप लोग गाइस देख सकते हैं यहाँ पे पूरा रोड पे गाड़ी चल रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं पंडाल देखने के लिए। चलिए थोड़ी आपको फिर से अंदर से थोड़ा आप लोग को दिखा कर लाते हैं। चलिए आप लोग को थोड़ा दूसरी तरफ लेके चलते हैं। आप लोग देख सकते हैं छोटा मोटा पंडाल यहाँ पर बना हुआ है मीरगंज में, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको भी डेकोरेशन किया गया है। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।